सर सबका साथ मिल गया है, अब कितना मजबूती मिल रही है? आदरणीय हमारे नेता चौधरी महबूब अली कैसर साहब जो निवर्तमान में हमारे सांसद हैं, इनके साथ आ जाने के बाद सही कैसर साहब ने कहा कि पहले भी महागठबंधन की मजबूती थी, लेकिन ये जब आ गए और इनके हाथ में अब ड्राइविंग सीट है तो जाहिर सी बात है कि हमारा संजय जी ने ड्राइविंग सीट जो है कैसर साहब के हाथों में ही दे दिया। बिल्कुल, मेरे गार्जियन हैं, 10 साल का इनके पास अनुभव है, तो ये ड्राइविंग सीट पे है। अब हमारा रथ जो है बहुत तेज गति के साथ आगे निकलेगा, उसका पीछा वो नहीं कर पाएंगे। कोई चैलेंजिंग नहीं। लगातार सभाएं की जा रही है, जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, लगातार हमलावर इंडिया गठबंधन पे कि भ्रष्टाचारियों की जमात है, कैसे निपटेंगे उनके इन बयानों से? नहीं, भ्रष्टाचारियों की जमात तो वो जो तमाम जो संवैधानिक संस्था है उसका बेजा इस्तेमाल करके बी टीम बीजेपी आरएसएस बनाकर उसका वो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग जा रहे हैं उनका क्या? अभी जो हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं गुंडा बैंक वो चलाते हैं, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा पड़ा, वो कैसे वो वॉशिंग मशीन में निकल के वो स्वच्छ बन के आज हमारे सामने हैं? तो उनके कहने से क्या होता है? जुमलेबाज के बातों पर भरोसा करना नहीं आज की जनता मन चाहती है, समझ चुकी है पूरी तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है। वो कह रहे हैं कि हमने तो प्रधानमंत्री आवास दी, गरीबों को राशन दिया फ्री में हमने। नहीं, वो प्रधानमंत्री इससे पहले एनडीए ये यूपीए 1 की जो सरकार थी उन्होंने 35 किलो अनाज का उन्होंने ये किया था वो तमाम लोगों को जो खास करके बीपीएल के अंदर थे, और 35 किलो के अनाज पर जो है सो एक बात समझ में आ रही थी कि 35 किलो अनाज जब 2 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा था, एक परिवार चल पा रहा था। लेकिन अब मोदी जी ने क्या किया, इन्होंने 35 किलो के बदले 5 किलो कर दिया, फ्री कर दिया। तो अब आप बताइए कि 5 किलो में किसी परिवार का भरण पोषण 1 महीने का हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऊपर से बिहार में 92 लाख लोगों की छटनी हो गई, तो ये तो कल को बंद करेंगे ना, इसको रखेंगे नहीं। आप देख लीजिएगा इस चुनाव के बाद इसको बंद कर देंगे। बिल्कुल बंद करेंगे, ये उसी नीति की सरकार है, वही नियति है इनकी, बंद करेंगे। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग विपक्ष भी कमज़ोर हो रहे हैं, जो उस तरीके के जो मुद्दे हैं सरकार से पूछने के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे सवाल हो, इस पे चुप्पी क्यों है विपक्ष? इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बात करती इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड? नहीं, चुप्पी कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का जो सवाल है उसमें तो सबसे ज़्यादा वो फंसे, 8.5 हज़ार करोड़ का जो है सुन के चार्ज आया। खुद सीतारमन की जो माननीय वित्त मंत्री के जो पति हैं उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो है ये इस वक्त का है। तो चुप्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं चुप्पी है। उन्होंने तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आने के बाद हमारे कांग्रेस का जो है सो बैंक का खाता उन्होंने सील कर दिया, ये कहाँ ले जाएंगे दोस्त देश को? जमहूरियत इसी को कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। और हम कमज़ोर नहीं हो रहे कहीं से भी। जो इंडिया ब्लॉक का जो अभी जो खुद का सर्वे आ रहा है उनका आरएसएस का इंटरनल सर्वे जो है उस सर्वे में भी वो नहीं सामने आ रहे। खुद बिहार में जो उनका सर्वे है क्या है, बिहार में 28 सीट जो है वो महागठबंधन को आरएसएस का इंटरनल सर्वे दे रहा है। अब प्रचार प्रसार भी शुरू हो गए हैं उम्मीदवारों के, अब क्या लग रहा है कि अब से जो है ये चुनावी रंग में अब पूरी तरीके से रंगने जा रहे हैं, तो क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो पहले से जनुभार है, और सर के आने के बाद ये तो और भी फ्लोरिंग। अभी देखिए आप, हर संवर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं, तो अब कुछ बचा नहीं, अब सिर्फ वोटिंग के दिन वोट होगा, फिर रिजल्ट आप देखिएगा। अगला उम्मीदवार कह रहे हैं कि मोदी जी का फेस है राम मंदिर पे जो है, राम मंदिर बना है, कैसे रोकिए? नहीं, राम मंदिर बना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके भगवान हैं, लेकिन भक्त जिंदा रहेगा तब तो राम जी का पूजा होगा। लोगों के पेट में भूख की आग है, और आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं हमारे देश के नौजवान, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं किसान, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं मजदूर। तो अभी लड़ाई जो है पहले पेट की भूख को शांत की लड़ाई करने की लड़ाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो हम सब के हैं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में भी इनकी आस्था नहीं है भाई। इनके घर में श्राद्ध कर्म हुआ, इन्होंने बाल मुंडन कराया क्या? नहीं कराया। किसको करना चाहते हैं? मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, मोदी जी जी, तो वो बात नहीं है। जहाँ तक खगड़िया में आप कह रहे हैं मोदी जी आपके सामने चैलेंज है, तो मेरे खिलाफ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? उद्गार है कि एक एक वोट जैसे ही आप यहाँ पे दबाइएगा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऊपर रविकांत जी, राजेश वर्मा जी, वो जो भी यूट्यूब आपके माध्यम से या कहीं भी वो चला रहे हैं, तो मोदी जी के फेस के सामने संजय कुशवाहा का फेस रख रहे हैं।
वो क्यों बीच से बाहर जा रहे हैं, क्यों, कौन सा दहशत है उनको? आप हमारे आमने सामने हैं, आपने हमारे आमने सामने है, मोदी जी को क्यों ला रहे हैं आप? इतने क्यों घबराए हुए, कमजोर आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं? यानी डरे हुए हैं संजय सिंह कुशवाहा? बिल्कुल बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जरूर निश्चित। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया।